हमारे यहां पर घाट की राबड़ी खाया करते थे राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में खास करके। अब तो पूरे देश के लोगों को मैंने सिखा दी। ये जौ का दलिया हम बनाते हैं, जौ के दलिए को थोड़ा सा इसमें गेहूं का, चने का, बाजरे का, कोई भी थोड़ा आटा साथ में डाल दिया। इसमें थोड़ा एक चुटकी भर चावल और चने की दाल डाल सकते हैं। रात को ये दलिया पका दिया। पकाते समय उसमें थोड़ी छाछ डालते हैं। पकाने का तरीका माताएं अच्छे से जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हरियाणा में, राजस्थान में घाट की राबड़ी बोलते हैं। अब ये जो जौ का दलिया बनाया, इसको छाछ में मिला करके और फिर इसको पीते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है कि एक गिलास ये घाट की राबड़ी पी ली, और यदि कोई खाता है तो साथ में एक प्याज का सेवन कर लिया। प्याज कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए और ठंडक के लिए और ताकत के लिए भी अच्छी है ये प्याज। और जिनको नींद नहीं आती, ये खास बात मैं बताना चाहता हूँ, जिनको नींद नहीं आती वो दोपहर को खाने के साथ प्याज जरूर खाएं। कच्ची प्याज पकी हुई प्याज से भी अच्छी होती है। यद्यपि वैष्णव परंपरा में, जैन परंपरा में, स्वामीनारायण में और हमारे गुरुकुलों में भी, और जो आश्रम है अधिकांश आश्रमों में और पतंजलि में भी, प्याज हम लोग खाने के साथ नहीं खिलाते, लेकिन औषध के तौर पर हम भी प्रयोग करते हैं। तो ये प्याज राजस्थान में तो दो तीन प्याज जो है गर्मी के समय सभी लोग खा लेते हैं, और सुबह एक बार प्याज खा लो और ये राबड़ी पी लेते हैं सुबह सुबह, जो मैंने अभी बताई आपको, घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी।